हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहूंगी बहुत सारी दुआओं के लिए। और सॉरी, आजकल व्लॉग जो है मैं बहुत जल्दी में प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। आप सबको पता है कि लास्ट का टाइम है, बहुत सारा काम है, बहुत सारे पार्सल्स भी आ जाते हैं। अच्छा, जो लोग जिनसे मैंने बोला था भेज दो वो तो भेज ही रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं बोला वो गिफ्ट के तौर पे शादी के लिए भेज रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि कोई गिफ्ट भी दे रहा है ना, तब भी मैं उसको दिखा दूँ ताकि उनका कुछ फायदा हो जाए। हर इंसान कुछ उम्मीद से भेजता है, तो मैं सोचती हूँ मैं किसी का दिल ना तोड़ूं। तो वो सारी चीजें हैं। और आज ना फ्रेंड्स हमें सैलून भी जाना है, अम्मी को भी लेके जाऊंगी, उनका भी हेयर कलर करा देती हूँ। और आज रिजा रेहान भी जा रहे हैं क्योंकि आज ये अपनी डांस प्रैक्टिस में नहीं गए। हो गया तुम्हारा कल लास्ट फाइनल? अच्छा, तो ठीक है, चलो मुझे बहुत खुशी कि आज ये मेरे साथ जा रहे हैं। तो अम्मी का भी हेयर कलर करा देती हूँ, मैं भी कुछ अपने बालों का ट्रीटमेंट देखती हूँ, कराऊ नहीं कराऊ। बहुत ज्यादा वीक हो गए बाल जब से थायराइड ये सब सारी चीजें हुई है, स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल भी है। देखते हैं क्या करेंगे। पहले सबसे स्पेशल पार्सल जो मैंने खुद मंगाया था और जो हमारे शादी के जो जोड़े जाएंगे उसमें मुझे ये जरूर रखना था, इसके बिना हर चीज अधूरी। आप लोग गेस करो कि सभा की ड्रेसिंग में अगर ये ना होगा तो फिर क्या होगा। तो ये दिखाती हूँ। तो ब्लू मैन टेल्स की तरफ से फ्रेंड्स हमने मंगाया है नाइट सूट, की जो क्वालिटी और स्टिचिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा लगा था, तो हमने कहा हम इनसे ही ले लेते हैं। और जो इंसान कम टाइम में बना के दे दे आज के जमाने में वही सब कुछ है। तक मैंने खोले नहीं है, मैं भी आपके सामने खोलती हूँ, खुद भी देखती हूँ आपको भी दिखाती हूँ। हम तो कह रहे हैं कि ऐसी पैक रहने तो खोलो नहीं, लेकिन देखना तो पड़ेगा, ट्राई भी करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया फ्रेंड्स, एक ये है और ये है इसके पैंट्स, वो सेटन में था फ्रेंड्स और ये कॉटन में है। एक ये प्रिंट भी मुझे हमेशा अच्छा लगता है, तो हमने कहा एक ये भी ले लेते हैं। पता नहीं मुझे क्यूट लगता है, आप बताना कैसा रहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? सही है। अच्छा, उनके पास बहुत सारे अलग टाइप के भी हैं, वो जैसे रोप बांधते हैं ना ऐसा कुछ, ऐसे भी पैटर्न है, लेकिन मुझे सिंपल ही पसंद है, सिंपल सवा की सिंपल चॉइस। ये उनका बहुत ही फेमस सा प्रिंट है, बहुत क्लासी सा, तो उन्होंने कहा कि एक ये वाला ले लो सवा, ये बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा शादी के बाद अच्छा भी लगेगा ना इसपे, क्यों नहीं। और ये इसका पैंट हो गया, क्या मैंने बहुत लूज मंगा लिया? बहुत लूज है, डॉक्टर हाथी वही एकदम। और ये सबसे लास्ट और सबसे स्पेशल रेड, पीछे इसके सरप्राइज है लोगो एसके सबा खालिद, ये उन्होंने स्पेशल बनाते हैं वो आपके नाम का या जो भी आप लिखाना चाहें, तो ये उन्होंने बना के दिया है। थैंक यू सो मच ब्लू मैन टेल्स, स्पेशल थैंक यू, आपने इतने कम टाइम में मुझे नाइट सूट बना के दे दिए जैसे मुझे चाहिए थे। सबा हिजाब हब की तरफ से फ्रेंड्स, मेरा पेज नहीं है लेकिन मेरे नाम की लड़की है जिसका हिजाब का बहुत अच्छा पेज है इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे ये हिजाब भेजे है। ये भी उन्होंने गिफ्ट भेजा है, एक ये हो गया हिजाब पिन हो गए, ये रखने के लिए डब्बी है, एक ये ब्लैक हिजाब हो गया, एक ये नॉर्मल, सारी मेरी पसंद की चीजें भेजी है, थैंक यू सबा। और एक ये ऐसा वाला हो गया, मुझे बहुत काम आएगा। और ये नमाज का इस तरीके का दुपट्टा है। थैंक यू सो मच सबा हिजाब, आप बहुत ही अच्छे अच्छे हिजाब दिए हैं फ्रेंड्स। ये पार्सल खोल के ना आप ये देखिए, मेरे ये जो नेल्स के ऊपर क्या हो जाता है वो हो गया है। हैंडमेड गिफ्टिंग की तरफ से जो बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम पे गिफ्टिंग का पेज है, वाओ माशाल्लाह, सबा खालिद थैंक यू सो मच, हैंडमेड गिफ्टिंग बहुत ही स्पेशल है, बहुत स्पेशल। फ्रेंड्स आप सबको पता है कि शादी की तैयारियां एंड मोमेंट तक चलती रहती है, इतना ज्यादा बिजी टाइम चल रहा है कि खुद के लिए दो पल का भी टाइम नहीं है और खुद की पैम्परिंग का भी टाइम नहीं है, लेकिन फेस पे ग्लो भी जरूरी है, शादी वाला ग्लो तो होना ही चाहिए। फ्रेंड्स उसके लिए मैं यूज करती हूँ वाओ स्किन साइंस की उपटन रेंज, जिसमें आता है इनका फेस वॉश, स्क्रब, पैक और सिरम। सबसे पहले आता है उपटन फेस वॉश, इसमें बिल्ट इन ब्रश भी दिया हुआ है, ये हेल्प करता है डीप क्लेंजिंग करने में, टैनिंग को लाइटन करने में और इवन आउट करता है पैची स्किन टोन को। नेक्स्ट है ओपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब, ये हेल्प करता है अच्छे से एक्सफोलिएट करने में एंड हमारे फेस से डीप सीटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में और प्रोवाइड करता है स्मूथ सा टेक्सचर। जैसे कि हम सबको पता है फ्रेंड्स शादी पे एक्स्ट्रा ग्लो तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए वाओ की ओपटन रेंज तो यूज करना बनता ही है। स्क्रब हो गया फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है उपटन फेस एंड बॉडी पैक, ये हेल्प करता है हमारे स्किन टोन को इवन आउट करने में और हमारे डल स्किन को रिवाइव करने में। ये मैंने कल यूज किया था तो मैं इसे आज यूज नहीं कर रही हूँ, आज मैं इसे स्किप करूंगी, आप इसे वीक में दो बार यूज कर सकते हैं। और अब ये लास्ट स्टेप है उपटन सिरम, ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है एंड रिस्टोर करता है स्किन रेडियंस को। इन सभी प्रोडक्ट्स में है टर्मरिक, आमंड एंड सैफरन एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड ऑयल, रोज वाटर एंड चिकपी फ्लावर।
फ्रेंड्स, अगर आपको भी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप भी ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उनकी वेबसाइट पर जाके लोगे जो कि buywow.in, तो वहां पे मेरा कोड यूज करना मत भूलिए sabaibrahim20, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वाओ के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्श केमिकल नहीं होता, लाइक नो सल्फेट, पैराबेन एंड सिलिकॉन, सो बी वाओ नेचुरली। कर रहे हो? इतने टाइम से आईपैड नहीं चला, सोचा कहीं बंद ना हो जाए, तो उस वजह से थोड़ा गेम खेल। क्या कर रहे थे अभी? रेडी हो गए? यही पहन के चलोगे? नहीं, अच्छा लग रहा है। आप भी अब तक रेडी नहीं हुई? अब नमाज पढ़ी, सब चीज अल्लाह की पढ़ी, फिर पापा खाना दिया, बस अब फुर्सत हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारी भी नमाज हो गई है, बस अभी 2 सेकंड में आपको रेडी होके दिखती हूँ। 1 और 2 काउंट करना हो जाएगा। 1 2 हो गया। तो देखिए, मैं हो गई रेडी 2 सेकंड्स में। दुपट्टा और सूट दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। चले चलो, सलाम कब करोगे? अस्सलामु अलैकुम, सबको, छोटे बड़ों को अम्मी की तरफ से प्यार भरा सलाम, सब खुश रहो, अच्छे रहो। कैसे होते हैं? अच्छा, ऐसे? मुझे आज तक पता नहीं था कि सीट आगे कैसे खिसकती है। हाँ, क्या बात कर रही हो? नहीं पता था। क्या हो गया? किसको कहाँ बैठना था? उधर। किसको? हमें। क्यों नहीं बैठे थे यार? मतलब पूछा था आप, आपको कहाँ बैठना? मैंने कहा उधर, तो बैठ जाओ उधर। सबसे सही रिजा है, टेंशन से दूर। गाड़ी उल्टी खड़ी थी, उधर मुंह करे, मुझे अंदाज नहीं लग पाया। मम्मी का सही है, बोल रही है गाड़ी ऐसी खड़ी थी तो मुझे अंदाजा ही नहीं मिला, गाड़ी मुड़ी तो वो भी मुड़ गई। अभी हम लेट हो गए। ये बहुत अच्छा हुआ फ्रेंड्स, सैलून आते साथ चाय मिल गई है, तो चलो चाय पीते हैं। आपका भी हेयर कलर कराए? हम नहीं करवाएंगे, नहीं करेंगे। इतने से बालों में क्या नहीं, क्या होता है? पहली बार आए हो आप? हमने कहा सर ढाटते हैं, क्या है मतलब? नहीं, बाल पीछे से वो वाइट हो रहे ना, करा लो। ऐसे हाथ मिली है और ऐसे कर लिया बस, और वो लग भी जाता है, बहुत दिन तक लगाते, 4-5 महीने। बहुत ज्यादा अभी वाइट इसलिए लग रहे हैं, अभी अच्छा है, अभी आप करा लो, आपका भी तो बनता है ना, दुल्हन की मम्मी जो है। नहीं, आप तो सो ही जा रही हो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और ये चेयर में भी मसाज हो रही है ना? हाँ, ये चेयर में मसाज हो रही है बहुत अच्छे से। ये कैसा है? अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है। अब मेरे दरियान कह रहे हैं पैंडा की तरह क्यूट लग रही हो। तो सैलून से हम निकल गए हैं, अम्मी का हेयर कलर हो गया, मेरा भी हाईलाइट्स हो गया, थोड़ा ही किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने कभी कुछ मत कराओ, बालों को और अच्छा होने तो फिर कराना। और अभी हम जाएंगे कुछ एक काम से, उसके बाद मॉल जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है जूते दिला दो, जो जीता था आप, जो आप लोगों ने जिताया इसे। तिरुमाला आए थे हम एक दुपट्टे की लेस लेने, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही शॉप देखी इनके पास, देखिए ब्रेसलेट भी है और क्लचेस भी है वेडिंग के हिसाब से, तो अम्मी को और रिजा को लेना। नेल पेन लेना स्टार्ट। मैं कंफ्यूज हूँ, कौन सी आई? लिप बाम? कैसे पता? अरे मुझे पता है लिप बाम है। बाटा में मैं नहीं लूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने अम्मी के ले लिए हैं बैग, और अभी हम जाएंगे। जो फंक्शंस के दुपट्टे हैं ना, वो बन के आ गए हैं, कुछ कुछ सिंपल से लग रहे थे, तो भाभी ने कहा था कि ये टिपकियां ले लो उनमें लगाने के लिए, और कुछ लेसेस भी लेनी थी, तो हम वही लेने आए हैं। आप फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे अंधविश्वास चलते ना, तो रिहान कैची चला रहा था, तो रिजा ने बोला लड़ाई होती है, तो वो चला रहा है, मैं देखता हूँ कहाँ लड़ाई होती है। रिजा बोल रही है शादी आने वाली है, बस आप बताओ होती है कि नहीं कैची चलाने से। सारे काम हो चुके हैं, अब बची है सिर्फ रिहान के शूज, रिजा की चप्पल, लेकिन 8 बजने वाला है मॉल पहुंच जाएंगे। 9 बजे बंद हो जाता है। वो ही नेल पेंट ट्राई की थी तो वो लगी रह गई, अभी घर जाके हटा देंगे। क्या लिया? ये देखो, 2 ले लिए। बेचारी कोई बूढ़ी आंटी बेच रही थी ना, तो अम्मी ने कहा ले लेते हैं, बेचारी बोल रही थी ले लो, हमने ले लिया। 8:30 हो गया, 9 बजे शॉप जो है वो बंद होने लगेंगे। सबसे पहले रियान के जूते लेते हैं। भैया, मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ है और इसकी बहुत बड़ी मेहनत भी है, तो कराना ही है। मैंने 21,000 का, मेरे पता नहीं अभी और भी हो गए। वो टाइम आ गया जिसका रियान को इंतजार था, इसलिए इतना खुश है, शू लेने आया है। नाइकी गया, नहीं पसंद आया, एडिडास गया। आप
खेल पाई। नाइकी गया, फिर एडिडास गया, फिर यहाँ पे अभी जा रहा है पूमा। अम्मी बार बार जाके बैठती है, थक गई है। अम्मी ने कह दिया अब तुम इसे कोई गेम नहीं खिलवाओगी। थैंक यू आप सबको। अब ये जूते सामने ही रख के बैठे रहोगे क्या? क्या कर रहे हो? तो बंद करो एक बार। वाओ रिहान, फ्रेंड्स ये रात में अपना शूट ट्राई करके देख रहा है कि चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, बट रिहान लुक एट द फोन, उसमें ज्यादा चमक रहा है। अच्छा चमक रहा है, तुम्हारे पूरे बाल भी चमक रहे। अरे क्या कर रहे हो? हैप्पी? बहुत। थैंक यू आप सबको, इतने सारे कमेंट्स आपने किए तो मुझे ये शूज मिल पाए। रिजा तुम भी तो कोई चैलेंज कर लो। मैं चैलेंज नहीं कर रही। नहीं अभी करेला चैलेंज होएगा। चलो रिजा के लिए करेला चैलेंज कर लेंगे बेचारी के लिए, वो भी कुछ जीत जाए। ब्यूटीफुल बेकिंग की तरफ से फ्रेंड्स ये आया है हमें ब्राइट टू बी वाला केक। ज्योति भी बनाई है और ड्रेस भी अम्मी कर रहा थे। अम्मी यहाँ पे पर्स भी बनाया है, सबा और सनी का नाम भी लिखा है। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल बेकिंग बाय आशना खान। रिजा ने क्या लिया, रिजा भी आपको दिखाएगी। बड़ी मुश्किल से आज उसने खुद से कुछ लिया है लास्ट में। ये रिजा का हो गया और एक ये सारा। अम्मी खराटे, पूरी दुनिया सुन रहा है आपके। एक ये रिजा ने लिया, अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स? यहाँ से शादी में ये पहनो जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक। अब आपको वो ऐसी चीज दिखाने जा रही है कि जब वो नहीं होगा तो फिर रिजा कैसे होगी, और वो नहीं होगा तो कोई त्योहार और कोई खुशी का मौका कैसे होगा। अम्मी पूरी दुनिया आपके कराटे सुन रही है। थक गए हो? अच्छा अच्छा बजा लो। बस मेरी अम्मी बेचारी मेरे साथ सोती है यहाँ पे। सच में माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता दुनिया में। अल्लाह दुनिया की हर एक बच्चे की माँ को अच्छा रखे। मैं जानती हूँ कि मुझे दो तीन दिन कैसी तबीयत खराब थी। अभी भी मेरा हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको अंदर सोने भेजूँ, और माँ बेचारी तकलीफ में ऐसे ही यहाँ पे जमीन में मेरे साथ चटाई में सो रही है। चलो तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात है क्या? पूरे रात अम्मी मुझे आयतल कुर्सी हर चीज पढ़ पढ़ के फूंकती रही। अपना हाथ ना मेरे ऐसे यहाँ पे रख के सोती रही, और जैसे वो हटा रही थी कुछ रहा था तो मेरी आँख खुल जा रही थी, तो मुझे देख रही थी कि मेरी आँख तो नहीं खुली, मैं कुछ सोच तो नहीं रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया था। थैंक यू, आई लव यू। माँ का फर्ज होता है। हाँ सच में, माँ बच्चे हैं, माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा बच्चों को? सारी मम्मियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चियों को समझे, उन्हें बहुत सारा प्यार करें। बहुत अच्छी होती है मम्मियाँ, लेकिन कभी कभी अपना कोई कोई इतना नहीं समझ पाता बच्चों को, क्योंकि काफी में मैसेज आते हैं और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी अम्मी मिली है, हमारी मम्मी थोड़ी ऐसी है, थोड़ी ऐसी है। सब मम्मी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा दोस्त की तरह अपने बच्चों की बनने की कोशिश करो तो बच्चे को बहुत हिम्मत आती है। फिर बच्चे को ना दुनिया की इतनी जरूरत नहीं होती अगर माँ साथ में होती है तो। माँ अगर थोड़ा भी मुश्किल वक्त में समझा देना, और अम्मी से बेहतर मोटिवेटर और हिम्मत देने वाला इंसान, अम्मी से बेहतर आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर कर देने वाला इंसान कोई नहीं हो सकता है। अम्मी सच में थैंक यू। लड़की को समझाते हैं, दुआ करते हैं। जब भोपाल में थे वहाँ अपने पड़ोसियों को समझाते, उनको आज भी याद होगा। और मैं हर दुनिया की बच्ची से यही कहना चाहती हूँ कि बस खुश रहो, अच्छी रहो, एक दिन सबका टाइम आता है। सब अपनी माँ से ऐसे ही मोहब्बत करें, उनको परेशानी में उनका साथ दो। तुम देखो माँ तो देती है, लेकिन जब तुम माँ को दोगी अपनी माँ को तो उनको बहुत खुशी लगेगी। माँ तो देखो सभी माँ मोहब्बत करती है अपने बच्चों, कौन ऐसी माँ को नहीं करेगी, लेकिन जब बच्ची अपने दिल से माँ का साथ देती है फिर वो माँ की खुशी देखो कैसी होती है। दोस्त बन के रहे हैं, कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, हम लोग भी बहुत लड़ते हैं। सबकी यहाँ नोकझोंक होती है, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी आप ही की तरह हैं, बहुत गुस्सा हम भी कर देते हैं, अम्मी भी कर देती है, लेकिन फिर दो, लेकिन ये पता है लड़ना प्रॉब्लम नहीं है, लड़ने के बाद बात बंद कर देना प्रॉब्लम है। गुस्सा भी हो जाओ तो आधे घंटे अपने आप को नॉर्मल करके फिर उसके पास चले जाओ, या फिर कभी माँ उसके पास चली जाए ना, फिर क्या कुछ मतलब, कोई ईगो की बात नहीं है। हाँ, क्या उसमें मतलब की बात नहीं करोगे, लड़ जाओगे तो गुस्सा आता है, सबको आ जाता है, बस वही फट 10 मिनट बाद फिर से बोल दो क्या कर रही हो। मुझे बाहर मिलते हैं जाने वाले, अब कोई बड़ी छोटी बोलती है कि हमारी अम्मी नहीं है, तो मुझे इतना दिल से वो लगता है कि मैं उनसे बार बार मिलूं। कल मिली थी, उसके आंख में आंसू आ गए थे, मेरी अम्मी नहीं है। हाँ। तो लग रहा था कि उसको मैं कैसे खुशी दूं, बेटा बस मैं तुम्हें तुम लोगों को दुआ दे सकती हूँ बस। और जब भी अम्मी से मिलना हो तो मिल भी सकती हो, लेकिन जिनकी अम्मी नहीं है तो जरूर मुझसे मिल सकती हो, और मैं मिलूंगी। अम्मी नहीं है उनके लिए जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो अम्मी तो नहीं है, देखो अब कोई इंसान चला जाता है तो
नहीं आ सकता, सबको जाना है, अल्लाह सब्र देता है। लेकिन अगर उनकी शादी हो गई है तो उनके शौहर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको इतना प्यार दें कि उसको एहसास ना हो। भाइयों से कहूंगी कि अपनी बहनों को अगर उनकी अम्मी नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करें। सास से कहूंगी कि अगर आपकी बहू की अम्मी नहीं है तो आप उससे बहुत प्यार करें। किसी की भी मतलब अगर माँ नहीं है उसके बेटे को भी, लड़कों को भी बराबर है, सबके लिए माँ बराबर होती है। तो जिनके भी माएं नहीं है ना उनको बहुत सारा प्यार दो। माँ की कोई जगह तो नहीं ले सकता लेकिन फिर भी उनको इतना प्यार दो कि उनको कभी ऐसा दिल में अकेले बैठ के ना लगे कि काश मेरी माँ होती ना तो मुझे समझती, या मेरा बाप होता तो समझता। किसी भी जो यतीम लोग होते ना उन्हें मत परेशान करो, उन्हें एक्स्ट्रा प्यार दो। तो मैं दिल से दुआ करती हूँ बच्चे आप लोगों के लिए, जितने की अम्मी नहीं है हमें अपनी अम्मी समझो। बिल्कुल सबा के लिए दुआ करती हूँ, आप लोगों के लिए उतनी दुआ करूंगी। और सबकी दिन जिंदगी में खुशी आएगी एक दिन, बस सब्र करो, आती अल्लाह देगा बस। भाई हम लोग तो इमोशनल साइड पे पहुंच गए। चलो बस आपको कहने का मतलब था खुश रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का साथ दो। जिंदगी में कुछ नहीं रखा है ना अम्मी, पहले तो खुशी 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 फिर बेटा सबको वहीं जाना, वहीं सब इकट्ठे मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपने जूते तो दिखा दो अम्मी को, हम जूते तो ला के लाए क्योंकि ट्रेन में हमने कहा जूते पहन के चलो अम्मी। और जैसे मेरी चप्पल हल्की थी ऐसे मेरे जूते भी हल्के होंगे, इनमें मैं चल लेती हूँ अच्छे से चल लेती हूँ। आधा पहन के जाएंगे यहीं से गिरा। और अम्मी ये लाई है अपने लिए बटुआ, मोबाइल रख लेंगे, छोटे मोटे पैसे, शादी में पता है आपको लगते हैं कहीं निछावर करो कुछ करो ये करो, एक दिन ऐसे ले लेंगे। नेल पेंट लेके आई है फ्रेंड्स, अच्छी लगी। हमेशा काट लेती थी ना तो इसने नाखून नहीं काटे, स्किन काट लिए। ये लेके आई जो पहले जमाने में क्लिप चलती थी फ्रेंड्स बालों की, पहले अम्मी ये बहुत लगाती थी। ये गोल्डन और एक ये अम्मी आप पहले कितनी लगाती थी भोपाल में, बहुत लगाती। कौन सा अच्छा है?